मंत्र जाप मृत्यु को भी टाले, हर संकट पल भर में हर डाले। मंत्रों की शक्ति से अब गूंज उठेगा सारा संसार, दुख दर्द पाप विनाश और अज्ञान के अंधकार को मिटाएगा मंत्रों का अखंड ज्ञान। अब ज्ञान के परोधाने थाम मंत्रों की मशाल हाथ में, ले लिया ब्रह्मांड को उजियारा करने का मुकाम। मंत्र हीलिंग वो चमत्कारी आध्यात्मिक चिकित्सा है जो हमारे मन मस्तिष्क को संसार के तमाम झंझटों और मुसीबतों से पार ले जाती है। हमारे व्यक्तित्व को वो असीम ऊंचाइयां देती हैं जहां सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। मंत्र सिद्धि के बिना तो ब्रह्मास्त्र भी मिट्टी की धूल है। मनुष्य की काया नश्वर है किंतु मंत्र अजर अमर है। जीवन की कठिन पगडंडी पर हार मान चुके लोगों को असीम शांति की सौगात देने और उनमें नई ऊर्जा का संचार कर तमाम मुसीबतों को दूर करने की शक्ति देने के लिए एक ऐसी महान हस्ती ने मंत्र क्रांति लाने का बीड़ा उठाया है। सत्य स्वरूप है जिनका प्रभाव, आनंद जिनका सहज स्वभाव। आशु भाई रूप गुरुवर नमो नमः। सूर्य की रोशनी को तो फिर भी आपने कम ज्यादा होते देखा होगा, लेकिन विश्वविख्यात आशु भाई गुरु जी एक ऐसी महान शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं जिनका मानवता के उत्थान का उद्देश्य कभी नहीं रुका, निरंतर दिन और रात नए आयामों को स्थापित करता जा रहा है। और भाई की हाल है शेरिया? ओ संतिया की गल, नवा ट्रक नवे कपड़े, आज खुशी बड़ा नजर आ रहे। पहला तो बड़ा दुखी नजर आ रहा। हाँ यार, पहला तो मेरा आत्महत्या करने जी करता सी। मेरा मालिक मैनू बड़ा डांटता सीगा ते मैनू पैसे भी पूरे नहीं देंदा सी। फिर एक दिन मैं परम गुरु आशु भाई गुरु जी कोल गया। तो फिर की होया? उन्होंने मेरी सारी परेशानी सुन के मैनू आ रतन दिता। फिर की सी, अज मेरे को नवा ट्रक नवे कपड़े ते मेरे को पैसा भी बहुत है। वाह भाई वाह, मैनू ला चल आशु भाई गुरु जी को। क्यों नहीं वीरे, तेन भी मैं ले चलना आशु भाई गुरु जी दे कोल। ओ सारे ने कष्ट मिटा देंदे ने। आशु भाई गुरु जी की कृपा नाल अज मेरे को ट्रक कपड़े पैसा सब कुछ हो गया। नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। दोस्तों, हम आपको हमेशा कुछ न कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो आपके जीवन से संबंध रखती हैं और जो ऐसी बातें होती हैं जो बिल्कुल अलग होती हैं। आज दोस्तों इसी बात को मैं एक अलग तरीके से बताना चाहता हूँ। आप न्यूमरोलॉजी जानते होंगे, जैसे कि 2-1-2002, आप इससे टोटल करें 2 और 1 3, 3-2 5 और 2 7, ये भाग्य अंक हुआ 7। यानी कि आप अपने टोटल उसको जोड़ जंगोड़ कर जैसे भी आपका नंबर आता है वो आपका भाग्यांक होता है। अगर ऐसे ही भाग्यांक की बात करें तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे नंबर 1 सूर्य के भाग्यांक की। जो लोग सूर्य से जुड़े हैं उन लोगों में क्या है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के होते हैं, चेहरे पर तेज होता है, ज्ञान की बहुत अधिक मात्रा उनमें होती है। ज्ञान तो उनमें ऐसे होता है जैसे कि समझो कूट कूट के भरा हो। ऐसे लोग भगवान को मानने वाले होते हैं, ऐसे लोगों में कट्टरता होती है और ऐसे लोग सदैव जो भी कोई कार्य करते हैं वो अपनी परंपराओं के व्यक्त करते हैं। आपको एक बात और भी बता दूं कि सूर्य का अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा है और सूर्य रेखा नहीं है तो आपकी भाग्य रेखा लगभग बेकार है, क्योंकि भाग्य चाहे कितना भी अच्छा हो जब तक सूर्य रेखा अच्छी नहीं होगी जब तक कुछ नहीं होगा। कहते हैं जीवन में प्रकाश ना हो तो हर चीज़ पर अंधेरा होता है। इसी तरह अगर आपके हाथ में चाहे भाग्य रेखा हो लेकिन आपकी भाग्य रेखा के पास सूर्य का पर्वत ना हो या सूर्य अच्छा ना हो तो आपका अमीर होने का मुश्किल है, चांस बड़ा मुश्किल है। केवल भाग्य रेखा है तो क्या है, आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, एड़ी चोटी का बल लगाते हैं, पैसा जोड़ते हैं
और वो पैसा आपके काम आता है। लेकिन अगर सूर्य रेखा आपके हाथ में है तो आप बहुत दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं और आपकी भाग्य रेखा आपको हर बार चमत्कार देती है, हर बार चमत्कार देती है। कहते हैं दोस्तों, रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन रिस्क लेना ज़रूरी है क्योंकि रिस्क नहीं लेंगे लाइफ में तो आगे नहीं बढ़ सकते। आपको जीवन से रिस्क तो लेना ही होगा। मेरी तबीयत ख़राब है, मैंने सोचा चलो आज ना जाऊं, फिर मैंने सोचा क्यों ना जाऊं, ये तो तबीयत को बड़ा अजीब सा लगेगा। तबीयत कहेगी कि मैं जीत गई, गुरुजी हार गए। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, आपके जीवन में अरे नहर का प्रभाव है, पानी का प्रभाव है, सभी तैर लेते हैं। तैरना तो उसी का माना जाता है जो लहरों के चीरता हुआ आगे निकल जाए। ये कोई तैरना थोड़ी है कि आदमी एक शांत तालाब में तैर के कह दे कि मैं तैराक हूँ, नहीं। आपका भी काम करना वही है जो आप परिस्थितियों के खिलाफ करें। अगर परिस्थितियों के विपरीत तो आप कोई भी काम करेंगे तो वो काम है। बाकी तो सब एक जानवर भी करता है, रोटी कमाने के लिए क्या करता है वो, इधर उधर लगे पेड़ पौधे तोड़ लिए, खा लिए, बैठ लिया, पानी पी लिया और दिन का एक दिन पूरा ख़त्म। आप भी ऐसे जी सकते हैं। आप देखें एक आदमी कुछ भी नहीं करता है, भिक्षुक है, सारा दिन बैठा रहता है, कर सकता है वो, करता नहीं है वो। रोटी भगवान उसको दे ही देते हैं, दान पुण्य आपके हाथ में आ ही जाता है, रोटी खाते और मज़े करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति काम करे, अगर कोई आदमी खाली बैठता है तो क्यों बैठता है? खाली बैठने की परंपरा होती है। क्या मेरा मन नहीं कर रहा काम पे जाने का, क्या कर लोगे आप? मन को समझाना बड़ा मुश्किल है। मन जो है बच्चों के समान होता है। आज बरसात हो रही है, घर में चीला खाने का दिल कर रहा है। आज ठंड बहुत है, पकौड़े खाने का जी कर रहा है। आज बहुत अच्छा मौसम है, मस्ती लेने का जी कर रहा है, एक बैग हो जाए तो क्या बात है। आपका तो दिल है, दिल है कि मानता नहीं है। और दिल की बात अगर आप सुनते रहेंगे तो आप बिगड़ जाएंगे। कुछ ऐसे निर्णय लो जो कठोर हैं, कुछ ऐसी बातें करो जो एकदम अलग हैं, कुछ ऐसे बनो कि लोग ये कहें कि हाँ आप में कुछ विशेष बात है। वो तो आप तभी बन पाओगे जब आप सबसे अलग काम करोगे, भारत का नाम रोशन करोगे। ये मत कभी सोचना कि सरदार भगत सिंह विशेष थे, वो भी आपकी तरह थे, लाल बहादुर शास्त्री आपकी तरह थे, या बहुत लोग सुभाष चंद्र बोस आपकी तरह थे, सब आपकी तरह तो थे, लेकिन उनमें काम करने का जीवट था। उन्होंने मन में ठाना था कि हम कुछ करेंगे और कुछ करके दिखा दिया। आज तक भी हम उन्हें जानते हैं, आज तक भी उनका नाम रोशन है। इसीलिए तो कि जिनमें निष्ठा होती है काम को करने की, वो अलग ही तरह के लोग होते हैं, उन्हें लोग पहचान ही लेते हैं कि इसमें विशेष बात है। कुछ अलग सा करने की कोशिश करो, तुम्हें अलग से लक्षण आ जाएंगे, तुम्हें लोग अलग सा देखने लगेंगे। अरे इतनी सी बात है ना, देखो कितनी सी बात है। आप मदर टेरेसा के बारे में जानते होंगे, वर्ल्ड में नाम है। और क्या किया उन्होंने, इंसान की तरह जानवरों से भी इतना ही प्यार किया जैसे आदमी के बच्चे से, ऐसे ही जानवर के बच्चे से। अब इस बात में भी किसी को नोबेल पुरस्कार मिल सकता है तो आप सोचो कि आप क्या नहीं कर सकते। आपकी ज़िंदगी में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े काम हैं, आपने शायद कभी पढ़ी नहीं होगी। अगर आप उसे पढ़ें तो आप भी तो उसमें अपना नाम लिखवा सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कोई नहीं करता है, जो सिर्फ आप में है। बस हम यही तो बताना चाहते हैं दोस्तों। आज फरमाइश आई है कि मैं सूर्य रेखा पर बात करूं। सूर्य रेखा एक बात जान लो, अभी तो मैंने बताया है आपके हाथ में, और अपने हाथ में आपको मैं दिखा देता हूं कि इस हाथ के अंदर यहां से यहां तक जो ये रेखा है, ये रेखा जो है भाग्य रेखा है। इसके ठीक पास में ये अनामिका उंगली है जिसे रिंग फिंगर कहते हैं। यहाँ से कोई भी रेखा निकले उसे सूर्य रेखा कहते हैं, और सूर्य रेखा के पास एक और रेखा निकले तो उसे कहते हैं डबल सूर्य रेखा।
ये या तो बड़ी होगी या तो छोटी होगी। अगर ये सूर्य रेखा कहीं से भी खंडित है या लहरा खाते हुए जा रही है तो आप ऐसे पढ़े लिखे हैं कैसे, कभी स्कूल गए कभी नहीं गए, कभी पढ़ाई में मन लगा कभी स्कूल ही बंद हो गया, कभी स्कूल में कोरोना हो गया कभी स्कूल की छुट्टियां हो गई, कुछ भी हो गया। लेकिन अगर डबल सूर्य रेखा है तो परमात्मा की बड़ी कृपा है, तो इसका मतलब ये है कि आप पर सूर्य कैसी मेहरबानी है कि अगर आप सूर्य को जल दें या हाथ में 12 ग्राम सोने की अंगूठी पहने या आप एक माणिक धारण करें तो ज़रूर आपका भाग्य चमकेगा ही चमकेगा। दोस्तों भाग्य तो बहुत कारणों से चमकता है, लेकिन हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि हमारा भाग्य किन कारणों से चमकता है। सबसे बड़ी बात है ये जो ग्रह चमकते हैं ना आसमान में, ये हमारे ऊपर भी चमकते हैं। हर ग्रह का कॉन्टैक्ट हमसे होता है, हर तारे का कॉन्टैक्ट हमसे होता है। मानो तो सब कुछ है, मानो तो भगवान है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर एक बात और है, राशि का नग बहुत लोग कहते हैं अरे क्या होता है इसको पहनने से, अरे क्या नहीं होता इसको पहनने से। पत्थर तो ऐसा है कि पत्थर खुद कुछ नहीं है लेकिन तुम्हारी तो तकदीर ही बदल देता है। और याद रखना पत्थर स्वयं भगवान नहीं है लेकिन तुम्हें तो भगवान के दर्शन करा ही देता है। पत्थर एक ऐसी चीज़ है अगर आपको रास आ जाए तो 24 घंटे में आपकी ज़िंदगी बदल जाए, और आपको रास ना आए तो आपको रास नहीं आया तो आपको तो फ़ायदा हुआ, आपके बच्चे को नुकसान हुआ। इसलिए याद रखना जो भी राशि रतन है वो हमेशा विशेषज्ञों के पहनने के बताने से ही पहने, अपनी इच्छा के अनुसार ना पहने, क्योंकि अपनी इच्छा के अनुसार पहना हुआ रतन आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। नीलम एक ऐसा रतन है जिसे पहनने से पहले ट्राई ज़रूर करें। अगर नीलम आप 10 साल से या 15 साल से भी पहन रहे हैं और टेस्ट किया हुआ नहीं है तो आप समझ लो कि बेकार है, कभी भी कुछ भी नुकसान दे सकता है, 10 साल बाद भी आपके परिवार को नष्ट कर सकता है, या आपके घर पर कुछ ऐसी आपत्तियाँ आ सकती हैं जिनकी वजह तो आपको पता नहीं लगेगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर पता लगेगा कि आपके घर में धीरे 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 आपके चाहने वाले कम होते जा रहे हैं। कैसे पता लगेगा कि रतन आपको नुकसान कर रहा है, कैसे पता लगेगा कि रतन पहनने से शुभ हो रहा है? दोस्तों ये जो राशि रतन है ये इतने चमत्कार और इतने विशेष रखते हैं कि इसे अगर आप नहीं भी पहनना चाहें, अपने कपड़े में बांध के मंदिर में रख दें या अपने कपड़े में बांध के तिजोरी में रख दें तो भी इसका चमत्कार आप देख सकते हैं। कुछ रतन तो ऐसे हैं जैसे हीरा है, जैसे नीलम है, जैसे पुखराज है, जैसे माणिक है, जैसे गोमेद है, ये बहुत अच्छे रतन हैं, ये हमेशा आपकी राशि पर आपको फ़ायदा करते हैं। और जिनकी राशि पर नहीं चलते उनकी राशि के अलावा उनके घर परिवार को भी नुकसान करते हैं। ज़िंदगी में एक बात ध्यान कर लो, कहते हैं जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्य डाउन होता है, जिसके हाथ में सूर्य पर्वत पर जो दो रेखाएं हो, तीन हो, चार हो, अगर एक रेखा भी उनमें से खंडित है तो आपके सूर्य पर्वत पर इतनी सारी बुरी चीज़ें हैं कि आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं पर नौकरी नहीं मिल रही। आपकी दो जगह से टूटी हुई सूर्य रेखा ये बताती है कि आपने बड़ी कंपनी में जॉब की है लेकिन आपके जॉब से आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, तनख्वाही नहीं मिल रही है। आपकी जॉब से आपका नाम तो हो रहा है पर धन तो नहीं आ रहा है। अगर ऐसी कोई समस्या है आपको तो आप हमसे एक बेहतरीन राशि रत्न की अंगूठी लें या एक बेहतरीन ऐसा स्टोन का जुगाड़ लें जो हम आपके गले में डाल देंगे जिससे आपके सिस्टमिक तरीका ठीक हो जाएगा। आप जानते हैं दोस्तों आपके जीवन में कभी भी कुछ भी खराब नहीं होता, और जब खराब होने पे आ जाए तो साइकिल खराब, गाड़ी खराब, घर खराब, मन खराब, नोट भी मिलते हैं तो वो भी खराब, पटा हुआ है या चेपी लगी हुई या कुछ लगा हुआ है, परेशानी है तो चारों तरफ से है। और परेशानी में तो लोग यही कहते हैं कि कंगाली में आटा गीला, अरे कंगाली हो गई तो आटे की बोरी रखी है तो उस पर पानी की बूंदें गिरी और आटा ही खराब हो गया, है ना मजे की बात। वैसे पानी में आटा गूंदो कोई दिक्कत नहीं है, गूंदता ही है पानी में,
लेकिन पानी आटे की बोरी पर पड़ जाए तो क्या होगा, आटा ही खराब हो जाएगा। अब दोस्तों एक बात जीवन में और है, कहते हैं अगर ज़िंदगी में किसी का रिगार्ड नहीं करोगे, किसी की इज्जत नहीं करोगे, तुम्हारी कौन करेगा। देखो एक देखा देखी की चलन है कि एक बच्चा अपने पापा की सेवा करता है, टांगे दबाता है, सिर में तेल लगाता है, तो उसके घर वालों पर उसका इम्प्रेशन चलता है, मन में कोई कहेगा अरे कितना अच्छा बच्चा है, अपने पिता के कपड़े धोता है, अपनी माता के कपड़े धोता है, तो लोग ये कहेंगे हमारा बच्चा कितना अच्छा है, चाहे वो कैसा ही भी है। और अगर बच्चा घर में ऐसा है कि कोई काम बता दो, है मैं नहीं कर रहा भाई, मुझे ही कहते हो तुम, और भी तो इतने जने हैं, ये बात का विरोध है। और जब किसी भी बात का विरोध है तो वो बात सही कहाँ है, घर में शिष्टाचार कहाँ है। मैं तो जबकि बात जानता हूँ, जब मेरे पापा बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे, बीड़ी जा एक बंडल बीड़ी का ले आया, जा माचिस ले आया। आपने कभी भी बीड़ी पीने वालों में एक खास बात देखी होगी, बीड़ी का बंडल ले लिया, माचिस नहीं लेते हैं। देख पढ़ाने के पास माचिस होगी, जरा मांग लियो, मांगने में शर्म नहीं आती। अरे क्या फ़ायदा इसी बीड़ी पीने का, क्या फ़ायदा इसी सिगरेट पीने का, कि 20-30 पैसे की 50 पैसे की माचिस के लिए आप खामे खा के भीख जैसे मांगते हो। भाई साहब एक मिनट माचिस दिखाना, कमाल है। आप ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करते हैं, पर आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े कामों से बड़े बड़े रिजल्ट मिलते होंगे, लेकिन क्या आपने बड़े काम के रिजल्ट में कुछ ऐसा भी देखा है जो जीवन के लिए बिल्कुल अलग है। करेंगे ये वाली बात, लेकिन देखते हैं आज हम कि हमारे साथ कौन जुड़े हैं। जी हेलो। जी प्रणाम गुरुवर। हाँ प्रणाम बेटा, आपको सुन रहे हैं, आप क्या जानना चाहेंगे बेटा। गुरुजी हम शादी के बारे में जानना चाहते हैं। पहले तो अपना नाम बताएं बेटी। गुरुजी मेरा नाम नेहा है। कितनी आयु है आपकी। गुरुजी 36 साल। 36 साल जी। गुरु जी का ही शादी हो ही नहीं पा रही है, घर के लोग बहुत परेशान हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, कोई रिश्ता आया है क्या। गुरु जी आप एक लड़के के बारे में बताए थे, तो अब तो उसकी शादी हो गई है। गुरु जी बताइए मेरी शादी कहाँ होगी और कब तक होगी। ठीक है मेघा। मेघा आपका वजन कितना है बेटी। गुरु जी मेरा नाम नेहा है। नेहा है, अच्छा नेहा जी, बेटा आपका वजन कितना है। गुरु जी वेट तो नहीं करवाया है, लेकिन हमको लग रहा है 57 केजी का होगा गुरु जी। ठीक है बेटी, आप ये भी बताओ कि आपका रंग गोरा है या सांवला है। गोरा है। ठीक है, अच्छा बेटी एक बात बताओ, आपके चेहरे पे कुछ छोटे छोटे निशान है मुहासों के या नहीं है। नहीं गुरु जी। ठीक है, अच्छा नेहा बेटा एक बात बताओ कि आप कैसा लड़का चाहते हैं, सरकारी नौकरी वाला, बहुत जायदाद वाला, अपनी दुकान वाला, अपने काम वाला, या किस तरह का लड़का चाहिए बेटा आपको। गुरु जी जो आपको अच्छा लगे वैसा हमको दे दीजिए। ठीक है बेटा, बेटी तेरा कहीं गुटरगू तो नहीं है। नहीं गुरु जी। ठीक है बेटा, कुछ उपाय बताता हूँ, ध्यान से सुनना बेटी जी, और अगली बार करोगे तो मिठाई की बात करोगे कि गुरु जी मेरा काम हो गया है, आप मुझे मिठाई खिला रहे हैं और आपकी मिठाई पक्की। ठीक है जी गुरु जी। आपने सबसे पहले क्या करना है बेटे, एक लोटा लेना है, तांबे का या पीतल का जी। 7 हल्दी की गांठें लेनी है, और 7 हल्दी की गांठों को एक कलावे से बांधकर और आप उसे धीरे धीरे लोटे में डालेंगे 7ों गांठों को, और निकालेंगे जी। रोज ऐसा करेंगे जब तक आपका रिश्ता ना लग जाए कहीं पर जी। गुरुजी दूसरा उपाय, जब ये काम आप करेंगे तब आप पीला कपड़ा पहनेंगे बेटा जी, और पीला कपड़ा भी हल्दी जैसा पीला पहनना है, ना कि नींबू जैसा पीला। अच्छा गुरुजी। अच्छा एक और हम आपको बात बताते हैं, आपके घर में एक राधा कृष्ण की मूर्ति जरूर होनी चाहिए या फोटो, और उस मूर्ति या फोटो के पास आपने प्रसाद रख के दिया जला के पूजा जरूर करनी है। जी
ठीक है गुरु जी। तीसरा उपाय, रात को सोने से पहले हाथ मुंह धोने हैं, गुरु जी का दिया जलाना है, फिर सोना है। जी। जब आप दिया जलाएंगे तो दिए के बीच में थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और हल्दी डाल के 2 मिनट हाथ जोड़कर बैठेंगे और ये कहेंगे, गुरु जी मेरे को एक टल्लीदार दूल्हा दिला दो। क्या बोलेगी? एक टल्लीदार दूल्हा दिला दीजिए गुरु। हाँ, फिर आपको एक बढ़िया सा दूल्हा मिल जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और रात को अगर आप हो सके तो सिराने के नीचे एक मोर का पंख रख के सोया करो। ठीक है गुरु जी। अच्छा बेटी एक बात बताओ, तुझे कोई ऊट पटांग सपने नजर आते हैं क्या? हाँ गुरु जी, बहुत सपने आते हैं। हाँ, तो मोर का पंख जो रखेगी ना बेटा जी गुरु जी, उसके बीच वाले चंदे पर हल्का सा सिंदूर का तिलक लगा देना जी। और तिलक लगाने के बाद उसे भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके उसे अपने तकिया के नीचे रख के सोना। किस दिन से रखना गुरु जी? बेटा ये तो आज से ही रख ले तू। ठीक है गुरु जी। और मोर का पंख ना पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है। कई बार होता है ना कि बहुत दिनों से घर में रखा है, वो नहीं चलेगा। ठीक है गुरु जी। और कुछ पूछ ले बेटी। गुरु जी मेरी फैमिली में सबका स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है, किसी का कमर दर्द, किसी को बुखार, सब लोग बिल्कुल अस्वस्थ है। कौन कौन रहते हैं आपके घर में? मम्मी पापा, एक छोटी बहन और एक बड़े भैया और एक मैं। ठीक है, सबसे ज्यादा बीमार कौन रहता है? सब लोग रहता है गुरु जी, सब लोग दिन रात रोता है, इतना बीमार रहता है। अच्छा जी गुरु जी। एक कागज पेन ले लो जी। आपने क्या करना है, अष्टगन, लोबान, गुग्गुल, काले जी, तिल जी, और दखनी मिर्च सब 100-100 ग्राम लेकर उपले पर जलाकर थोड़ा सा रख के फिर इसको घर में घुमाना है। कब करना है गुरु जी? बेटा ये तो हर मंगलवार शनिवार करना है। अच्छा गुरु जी। और जब इसकी धूनी देंगे आप तो उस धूनी को फेंकना नहीं है जी, माथा पे लगा लेना है। अच्छा गुरु जी। और एक बात हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या कोई इतना भी बीमार होता है कि हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाए? हाँ गुरु जी, पापा ICU में एडमिट हो गए हैं और हम भी एक बार ICU में एडमिट हो चुके हैं। ठीक है, अपने घर का पता बताएं आप, एड्रेस बताएं बेटा। गुरु जी सिनेमा रोड, गौरी बाजार, जिला देवरिया। ठीक है, क्या आपके घर में कोई दुकान भी है? हाँ गुरु जी, नीचे दुकान है और दुकान के नीचे बेसमेंट है। ठीक है, आप ये बताएंगे बेसमेंट में कभी कभी पानी भी आ जाता है क्या? गुरु जी पानी आया था तो मम्मी और भैया आपके पास गए थे तो आप उपाय बताए थे, तो पानी तो बिल्कुल अच्छा हो गया गुरु जी, इतना चमत्कार और स्टाफ बेसमेंट हो गया, हम लोग इतना खुश हुए। बेटा ये तो चमत्कार ही है ना कि घर में से कोई ICU में भी जाए और वापस चला आए, तो इसका क्या मतलब है? गुरु जी का आशीर्वाद तो है। आपका आशीर्वाद है गुरु जी, गुरु जी आप ही की वजह से हम लोग जी रहे हैं। तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरे घर पे तो बहुत समय से गुरु की कृपा है, बीच में हट गई थी पता नहीं क्यों। अच्छा गुरु जी, आप थे नहीं इसीलिए। हाँ मैं कहीं चला गया था इसलिए तुम्हारे घर पर कृपा नहीं आई, और अब तुम्हारे घर में दोबारा कृपा आ गई है गुरु जी की, अब आप चिंता ना करो। समझ गए बेटा? गुरु जी शादी कब तक हो जाएगी? शादी तो अब तेरी मैं 2-4 महीने के अंदर ही टंटा काट देता हूँ। ठीक है बेटी। ठीक है गुरु जी, जॉब वाला रहेगा लड़का? मैं तो चाहता हूँ सरकारी नौकरी वाला हो। गुरु जी आप सपने में आके बताए थे कि तेरे ऊपर एक वरम है और कभी शादी नहीं होगी, और ये भी बताए थे कि एक दिन दिल्ली का ऑफिसर आएगा और शादी हो जाएगा। अच्छा एक बात बता, तुम्हारे घर के बाहर बाजार है ना? हाँ गुरु जी। कहीं पर मूर्ति बाजार भी है, मूर्तियाँ बिकती है क्या? नहीं गुरु जी, वो कहीं दूर जाना पड़ेगा। तो वहाँ से बस दिवाली में त्योहार त्योहार पे बेचते हैं सब। वहाँ से एक बै माता की मूर्ति लेके आओ जी गुरु जी, उस मूर्ति को सजा के कपड़ा उपड़ा पहना के हाथ जोड़ के उसको अपने घर में रखो।
अच्छा गुरु फिर जी, तुम्हारे घर में कभी किसी की शादी का बंधन नहीं होगा, सबकी शादी फटाफट हो जाएगी, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। ठीक है गुरु जी। और एक बात और आप और भी पूछूं बेटा, जी गुरु एक बात बताओ कि पैरों में किसके दर्द चल रहा है? गुरु जी, पापा के और मेरे, पापा मम्मी के? पापा का नाम बता बेटे, क्या है, विनोद मोटे हैं या दुबले से हैं? गुरु जी, बहुत सूखे सूखे से हैं, मम्मी भी सूखी सूखी से हैं। अच्छा, तो पापा को ना एक काम करो, जी गले में ना एक यंत्र डालना पड़ेगा घर में, और वो गले में जो यंत्र डालना है वो 36 का यंत्र है, 36 का यंत्र डालना पड़ेगा। गुरु जी, फरवरी में रिजर्वेशन होने वाला है, अभी मम्मी भैया फिर जाएंगे आपके पास। ठीक है बेटा, जब आएंगे तो हम दे देंगे, उनसे बोलना कि एक 36 का यंत्र मांग ले, उसके बाद आपके घर में कोई झंझट परेशानी नहीं रहेगी, समझ गए? पापा के लिए। जी। और कुछ पूछना है क्या आपने? गुरु जी, सबका बाल बहुत झड़ रहा है, लग रहा मुंडन हो रहा है। सबके बाल उगा दूंगा, मैंने आपको टीवी पर एक उपाय बताया था, वो आप किए क्या? गुरु जी, कोई उपाय फायदा नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा झड़ रहा है गुरु जी, सबका, पांचों लोगों का झड़ रहा है, गिर रहा है। बेटा बाल तो टेंशन से भी झड़ जाते हैं, अच्छा गुरु जी, और गुरु जी बाल कुछ एक्स्ट्रा ही निकल रहा है बाल। ठीक है। आप एक काम करो, बादाम के तेल में ना रोजमेरी एक वाटर मिला के रात को इस तेल को सिर में सब जने लगाओ, और ये तेल ना लगभग कम से कम 15 दिन तक लगाना पड़ेगा। और दूसरा उपाय क्या है कि एक पतीली में 3 चम्मच चावल उबाल के उसमें 2 पैकेट जो है उसमें हर्बल टी मिलानी है, 2 पैकेट पाउच मिला के खूब गर्म करके उसे छान के रख ले, सुबह इसका स्प्रे मारे, शाम को वो तेल लगाए, 15 दिन बाद मुझे बताएं कि आपके सिर के बालों की क्या पोजीशन है। सिर के बाल 100% लंबे हो जाएंगे, ग्रोथ हो जाएगी, बाल टूटने बंद हो जाएंगे, और सर में किसी भी प्रकार का डेंड्रफ या कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप जानते हैं दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ इस प्रोग्राम में जुड़कर अपनी तमाम समस्याओं का समाधान करा सकते हैं, समस्या चाहे जैसी भी हो। आप जानते हैं दोस्तों, हमारा जो ये प्रोग्राम है एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री किसी से संबंधित नहीं है, यह घरेलू उपाय घरेलू संबंध हैं। इसमें तो हम ऐसा समझते हैं कि आप मेरे परिवार से संबंधित हैं और मैं अपने परिवार की भलाई का कोई उपाय कर रहा हूँ। अगर आपको मेरे प्रोग्राम से जुड़कर किसी भी प्रकार का कोई फ़ायदा ना हो, अच्छा ना लगे, तो आप मुझे एक बार कमेंट्स करें कि ये बात तो आपको मेरी अच्छी नहीं लगी। और याद रखना दोस्तों, जो किसी भी बात को आप, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे प्रोग्राम को लाइक करें या ये सब्सक्राइब करें, कुछ नहीं करें, जो भाग्य है वो सब है, और कुछ भी ना करें सब कुछ अपने आप होगा। अगर अच्छा लिखा है तो भाग्य में होगा ही, और नहीं लिखा है तो नहीं होगा, बिल्कुल ना करें, सिर्फ प्रोग्राम देखें और देखने से ही सब ठीक हो जाएगा। आपके जीवन में है यदि कोई समस्या और आपको ऐसा लगता है कि हमें भी इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहिए, तो आप फ़ोन लगाएं, मुझसे बात करें और मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बस दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे अच्छी शुरुआत के साथ, नई बातों के साथ। नमस्कार। अरे तुम्हें दिक्कत है ना, गलती होगी साहब जी। अरे साहब जी ने आंख उठाकर देख तो ले। अरे भारे तू, अरे कल तक तो तू साइकिल पंचर लाया करता, आज साहब क्यूकर बन गया। अरे सपना या दिखावा कौन है, यो तो आशु भाई गुरु जी की ज्योतिष विज्ञान का चाणस है। अच्छा, और तब भाई मन में भी ना चल गुरु जी धोरे, मारा भी के मैं उद्धार हो जाते। तो चल ना मेरे यार, आ जा साइकिल छोड़ दे, बैठ पाछे।